सत श्री अकाल जी। सुरखापी भी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के दसांगे हुण तक दियां ताज़ा वड्डियां ते अहम खबरों बारे जानकारी। सरकार ते किसान जथेबंदियों के विचाले गलबात नहीं लग रही किसी बन्ने। कल 11वें गेड़ की बैठक के साढ़े चार घंटिया सिर्फ 20 मिनट की गई है गलबात। इस मीटिंग दे खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया नू किसानां दा फैसला दसण दे उत्ते भी जताई है नाराजगी। किसानी अंदोलन के चलते हुए अज की सब तो वड्डी खबर सामने आई है कि धरने वाली जगह तो एक शक्की व्यक्ति नू काबू किया गया है जो कि ट्रैक्टर परेड वाले दिन एक वड्डी वारदात नू अंजाम देने वाला सी। उत्थे ही किसान लीडरां नू जानों मारन दियां धमकियां भी मिल रही ने। उस शक्की व्यक्ति ने कई वड्डे ते अहम खुलासे किए ने जिन्हां बारे तुहानूं विस्थार नाल दसांगे। किसानी अंदोलन दे विच जानां गवाउण वाले सारे किसानां दे परिवारां नू 5-5 लख रुपए का मुआवजा ते एक मैंबर नू दित्ती जाएगी सरकारी नौकरी। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है यह ऐलान। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड मौके श्री गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत नू रूपमान करेगी पंजाब दी झाकी। प्रभात फेरी कीर्तन गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब भाई लखी शाह वणजारा समेत गुरु तेग बहादुर जी दे इतिहास नू दर्शाएगी पंजाब दी ए झाकी। पाकिस्तान दे पहले दस्तारधारी सिख टीवी एंकर सरदार हरमीत सिंह नू जानो मार देण दी मिली है धमकी। जिहदे तों बाद SGPC ने पाकिस्तान सरकार नू दखल देण वास्ते लिखी है चिट्ठी। जिथे एक पासे किसानी अंदोलन दे चलदे होए दिल्ली दी सरहद उत्ते किसान हो रहे ने शहीद, उत्थे ही पाकिस्तान सरहद उत्ते जवान हो रहे ने शहीद। ताज़ा खबर दे अनुसार अंबाला दे एक जवान दी पाकिस्तान गोलीबारी दे विच हो चुकी है मौत। हुण जानदे हां खबरां विस्तार दे नाल। दिल्ली दियां सरहदां उत्ते चल रहे किसानां दे अंदोलन नू 60 दिन पूरे होण वाले ने। इसे दे दौरान 11 वार बैठक हो चुकी है। कल 11वें गेड़ दी बैठक होई सी जिहदे विच कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया, पर इस मीटिंग दे विच सरकार ने कुछ तेवर जिहड़े आ उह चंगे नहीं दिखाई दिते। बैठक दस सीगे कि इहदे विच 20 मिनट दी गलबात होई है, उहदे तों बाद साढ़े चार घंटे दे करीब इह गलबात होई सी जिहदे विचों सिर्फ 20 मिनट विचार चर्चा कीती गई है ते 3 घंटे दी बाद विच ब्रेक लै लई गई। मीटिंग शुरू हुंदे ही किसानां ने कहा सी कि असी तुहाडे वल्लों दित्ती गई तजवीज़ खारज कर दित्ती है, जो पेशकश रखी सी कि 1.5 तों 2 साल तक इन्हां कानूनां नूं मुअत्तल किया जा सकता है, ते ओह तजवीज़ जिहड़ी है खारज कर दित्ती गई किसानां दे वल्लों। ते नाल ही किसानां ने कहा कि असी कानून रद्द करन दी मंग अते MSP नूं कानूनन जिहड़ी गरंटी आ उहदे ते देण दी मंग उत्ते ही अड़े होए हाँ, ते उदों तक साडा अंदोलन जारी रहेगा जदों तक इह मंग पूरी नहीं हो जांदी। ते जिहदे उत्ते इस बैठक दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानां नूं इस तजवीज़ उत्ते मुड़ तों विचार करन दे वास्ते कह दिता है। उहनां दा कहना सी कि जेकर किसान किसी फैसले उत्ते पुजदे ने इस तजवीज़ नूं लै के सरकार की पेशकश नूं लै के, तां उह सरकार नूं सूचित कर सकदे ने ते इहदे उत्ते फिर तों विचार चर्चा कर लई जाएगी। इस बैठक दे विच खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान जथेबंदियों के नाल नाराजगी जाहिर की है कि पिछली बैठक दे विच जो पेशकश किसानों के अगे रखी गई सी ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ट्रैक्टर परेड करांगे, दिल्ली दे रिंग रोड उत्ते ही करांगे। ते इसे दे दौरान जिहड़ियां वड्डियां खबरां हुण सामने आईयां ने, एक तां किसान आगुआं नूं जानों मार देण दीआं धमकियां मिल रहीआं ने। इह जिहड़ा मुद्दा आ किसान जथेबंदीआं दे वल्लों कल दी बैठक दे विच वी उठाया गया सी कि फोन करके गालां कढ़ियां जा रहीआं ने, उहनां नूं जानों मार देण दीआं धमकियां वी दित्तीआं जा रहीआं ने, ते जेकर इसे तरहां धमकियां मिलदीआं रहीआं तां माहौल जिहड़ा उह खराब वी हो सकदा है। दूजे पासे बीते कल ही किसान आगू रुलदू सिंह, जिन्हां ने दिल्ली पुलिस उत्ते दोष लाया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हां दी कार दा पिछला भन्न सुट्टिया है, दिल्ली पुलिस ने उन्हां दे नाल बदसलूकी कीती है, ते इह सारा कुछ दिल्ली पुलिस दे वल्लों किसानां नूं भड़काउण दे वास्ते ते उन्हां दे किसानी अंदोलन दे विच अड़िका पाउण वास्ते कीता जा रहा है। इह कोशिशां ट्रैक्टर परेड नूं रोकण दे वास्ते कीतियां जा रहीआं ने। दस दईए कि इस सब दे चलदे होए बीते कल ही सिंघू बॉर्डर उत्ते एक शक्की व्यक्ति नूं भी फड़िया गया है, जो कि बहुत वड्डी वारदात नूं अंजाम देण वाला सी। किसानां ने जिहड़े शक्की व्यक्ति नूं फड़िया है, उसने कथित तौर उत्ते एक पुलिस अधिकारी दा नाम लिया है। उस व्यक्ति ने कहा है कि उस पुलिस अधिकारी ने 26 जनवरी नूं कुछ गलत होण ते मंच उत्ते बैठण वाले 4 किसान आगुआं नूं गोली मार देण दी साजिश रची है। अधिकारी ने उन्हां 4 आगुआं दी तस्वीर भी सांझी कर रखी है। किसानां ने फड़े गए शक्की व्यक्ति नूं मीडिया दे सामने कीता ते मीडिया दे सामने ही उस शक्की व्यक्ति ने कई वड्डे खुलासे भी कीते है कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लैके जा रहे ने जां नहीं, इह पता लगाउण वास्ते उत्थे 2 टीमां लगा रखियां ने। उह खुद भी 19 जनवरी तों लैके सिंघू बार्डर उत्ते तैनात है। उन्हां दी जिहड़ी पूछताछ कर रहा है कि किसानां दे अंदोलन दे विच की चल रहा है। 26 जनवरी दे दिन उन्हां दी योजना प्रदर्शनकारी किसानां दे विच ही मिल जाण दी सी। जेकर प्रदर्शनकारी परेड दे नाल निकलदे तां सानूं उन्हां उत्ते फायर करन दे वास्ते कहा गया सी, अजिहा कहना है शक्की व्यक्ति दा। इस उत्ते प्रतिक्रिया जाहिर करदे होए आम आदमी पार्टी दे एक विधायक ने भी अपना रुख कीता है, बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि साडा सब तो भैड़ा डर सच हो रहा है, किसान अंदोलन नूं किस तरह खत्म करना चाहती है सरकार। इस उत्ते प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी का भी बयान आया है कि उन्होंने सब तो भैड़ा डर सच हो रहा है। इस किसानी अंदोलन के चलते हुए किसान अंदोलन नूं किस तरह खत्म करना चाहते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि फड़े गए शक्की व्यक्ति ने प्रदर्शनकारियों उत्ते प्रदर्शन वाली थान के करीब तो ही एक कुड़ी वालों छेड़छाड़ का इल्जाम लगा के इस अंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी की है। जो उस फड़िया गया तो उसने स्वीकार किया कि वह ये देखने दे वास्ते हंगामा कराने की कोशिश कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों के कोल कोई हथियार तो नहीं। फिलहाल उस शक्की व्यक्ति को किसान जथेबंदियों ने काबू तो कर लिया है, तो नाल ही इस अंदोलन होर भी सोच समझ के चलाने की तैयारी के किसान जथेबंदियां जुट गई ने। तो उन्होंने कहना है कि चाहे जिन्हें भी शरारती अंसर आ जाए उन्होंने अंदोलन शांतमई तरीके दे नाल चलेगा, ते 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड भी जरूर होगी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानी अंदोलन के दौरान जिन्हें किसान अपनियां जाना गवा चुके ने उन्होंने वास्ते उन्होंने मदद वास्ते वड्डा ऐलान किया है। उन्होंने खेती कानूनों रद्द करन तो इनकार करना, जो केंद्र सरकार ने इनकार कर दिता है, इसनों अणमनुखी करार देंदे हुए कहा है कि किसान जो कि अपनियां जाना गवा चुके ने इस अंदोलन के चलते हुए उन्होंने परिवारक मैंबरां नूं सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो काले कानूनां दे खिलाफ संघर्ष दे दौरान अपनियां जानां गवा चुके ने, जिहड़े किसान उन्हां दे परिवारां नूं 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाएगा, ते नाल ही उन्हां दे परिवार दे विचों किसे एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी दित्ती जाएगी। मुख्यमंत्री ने नाल ही यह भी कहा है कि केंद्र सरकार नूं इह कानून रद्द करके किसानां दे नाल बैठ के गलबात करनी चाहीदी है, क्योंकि कानून जिहड़े आ इह किसानां वास्ते आ, ते किसानां दी गलबात जरूर सुननी चाहीदी है। सारे संबंधित पक्षां दे नाल सलाह मशवरे तों बाद नवे कानून बनाउणे चाहीदे ने। उन्होंने कहा है कि खेती अनुसूची 7 के अनुसार ये सूबियां का विषय है, इसलिए केंद्र वालों राजसी मामले में दखल क्यों दिता गया है। केंद्र नूं नसीहत देंदे हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाबियों नूं तुसीं प्यार दे नाल मनाओ तां उह तुहाडी गल मनणगे, पर जेकर तुसीं पंजाबियों दे उत्ते डांग चुकोगे तां उह वी डांग चुक लैणगे। जिथे 26 जनवरी वाले दिन एक पासे किसानां दी परेड होवेगी, उत्थे ही दूजे पासे जो अधिकारित समारोह हुंदा है गणतंत्र दिवस दे मौके उह तां होवेगा ही। परेड तो जिहड़ी गणतंत्र दिवस दे मौके देश दे वल्लों परेड होवेगी, उहदे विच इस वार पंजाब दी झाकी धर्म की आज़ादी नूं बरकरार रखण दे वास्ते, जिन्हां नूं धर्म की चादर कहा जाता है
उस गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी की लासानी शहादत नूं दृश्यमान करेगी। पंजाब सरकार के बुलारे ने दसा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने अमृतसर विखे 1 अप्रैल 1621 नूं प्रकाश तारिया। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान बहादुरी दिखाउण करके 9वें पातशाह नूं उहनां दे पिता ते 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिता। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान बहादुरी दिखाउंदा करके ही गुरु साहिब नूं उहनां दे पिता वल्लों ए तेग बहादुर का नाम दिता गया। इस्लाम कबूलन तो इनकार करन ते मुगल बादशाह दे हुकम ते गुरु साहिब नूं 11 नवंबर 1675 नूं चांदनी चौंक दिल्ली विखे ही शहीद किया गया सी। गुरु तेग बहादुर जी दे 400वें प्रकाश गुरपुरब नूं दर्शाउंदी इस समुची झाकी चार चुफेरे रूहानियत दा पासार करेगी। ट्रैक्टर दे अगले वाले हिस्से ते पावन पालकी साहिब सुशोभित कीती जावेगी। ट्रेलर वाले हिस्से दे शुरू विच प्रभात फेरी दर्शाई जावेगी ते संगत कीर्तन करदी दिखाई दित्ती जावेगी। ट्रेलर दे आखरी हिस्से दे विच गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब नूं दर्शाया गया है, जो कि उस थां उसारिया गया है जिथे भाई लक्खी शाह बंजारा जी ते उहनां दे पुत्तर भाई नगाहिया जी ने गुरु साहिब दे बिना सीस दे धड़ दा संस्कार करन दे वास्ते अपने घर नूं अग ला दित्ती सी। दस दिए कि पंजाब की यह झाकी ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ FIR ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਉਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 65,99,729 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ TV ਐਂਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਂਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੌਲਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ 10 JK ਰਾਈਫਲਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯੂਨਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਸੂਈ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
अपने घर तो ड्यूटी ते वापस आया सी ते हुण उन्हें फिर तो एक महीने वास्ते छुट्टी ते जाना सी अपने घर, पर उस छुट्टी तो पहला ही उसके घर उसकी मौत की खबर जरूर पुज गई है। खबरों के इस बुलेटिन दे विच इना ही, दोबारा मिलांगे, तद तक के लिए खबरों के इस बुलेटिन दे विच इना ही दोबारा मिलांगे, तद तक के लिए दे इजाजत, धन्यवाद।